after the double fertilization explanation, there is a next step, which is the post fertilization structure and events, guys. Okay, we know that during in a sexual reproduction there are the three events: pre-fertilization event, where the gametogenesis occur and gamete transfer is occur; fertilization event, where the double fertilization we already discussed it. Okay, and next step is the post fertilization event. That means जायगोट फॉर्मेशन एंड पैन फॉर्मेशन के बाद क्या क्या होती है स्टेप्स या क्या क्या स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं हमारे पर्टिकुलर प्लांट में, वो यहाँ एक्सप्लेन करनी है. ओके, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में एम्ब्रियोजेनेसिस होती है. ओके, एम्ब्रियोजेनेसिस दैट मीन एम्ब्रियोजेनेसिस मीनिंग फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जायगोट. ओके, जायगोट से कैसे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है ये हम यहाँ इस इवेंट में पढ़ने वाले हैं. ओके, तो हियर यू कैन सी दैट फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू अ सीड एंड ओव्यूल इनटू ओवरी इनटू अ फ्रूट्स आर कलेक्टिवली टर्म है पोस्ट फर्टिलाइजेशन. तो यू कैन सी, यू कैन से दैट गाइस इन अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन थ्री थिंग्स आर अकर. फर्स्ट मैच्योर ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू अ सीड. ओके, ovary converted into a fruits and development of embryo. Okay, these are the three main thing which is related to the post fertilization events. Okay, now first is endosperm. What is the meaning of endosperm? Okay, so guys, क्या होता है, क्या समझते क्या हो तुम लोग एंडोस्पर्म से? अगर मैं तुम लोग से पूछती भी हूँ कि वो बेटा बताओ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंडोस्पर्म, तो ये तो सभी को पता है कि अभी हमने पढ़ा कि व्हेन वन सेकंड मेल गैमेट फ्यूज विद द पोलर न्यूक्लियस दे फॉर्म सम नरिशमेंटेड सेल्स विच प्रोवाइड द नरिशमेंट ऑफ होल एम्ब्रियो. ओके, इज नोन एज द एंडोस्पर्म. यही बोलोगे ना, इज इट डिप्लॉयड इन नेचर बिकॉज दे हैव थ्री न्यूक्लियस. यही बोलोगे सब के सब, मुझे पता ही था. ओके, क्या होता है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट क्या है और एंडोस्पर्म क्यों है? तो एनसीईआरटी में देख लेते हैं थोड़ा सा. एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट व्हाई द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड रिपीटेडली एंड फॉर्म अ ट्रिप्लॉइड एंडोस. डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द एम्ब्रियो आर ड्रॉ. ओके, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू. ओके, क्या होता है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट? व्हेन एम्ब्रियो डेवलपमेंट प्रीसीडेड, ओके, एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो आफ्टर दैट इट हैज़ अ सम रिजर्व फूड मटेरियल. ओके, दैट मीन दिस टिश्यू इज फिल्ड विद अ सम रिजर्व फूड मटेरियल उस एम्ब्रियो में. वो कॉटिलीडन जो हमने बोला था, दीज आर द रिजर्व फूड मटेरियल. ओके, फिल्ड विद दिस रिजर्व फूड मटेरियल एंड होल एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम दिस कॉटिलीडन, दैट न्यूट्रिशन फ्रॉम दिस रिजर्व फूड पार्ट्स. ओके, on the basis of obtaining the nutrition from these cotyledoners, pan undergoes the successive nuclear division to give rise the few nuclei, and this stage of endosperm development is called free nuclear endosperm. Okay, on the basis of these conditions, three types of embryo develop. First, nuclear endosperm. ओके, यही न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. सेकंड सेलुलर एंडोस्पर्म एंड थर्ड इज हेलोबियल एंडोस्पर्म. शायद यहाँ पर है भी नहीं है हेलोबियल एंडोस्पर्म का, तो लिख देती हूँ. देयर आर द थ्री काइंड ऑफ एंडोस्पर्म आर फॉर्म: फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म एंड हेलोबियल एंडोस्पर्म. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज अकरेंस या दीज थ्री काइंड एंडोस्पर्म फर्दर डिवाइड इन टू कैटेगरी व्हेन एंडोस्पर्म मे कंप्लीटली कंज्यूम बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो. ओके, जब एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, हियर व्हेन एंडोस्पर्म मे आइदर बी कंप्लीटली कंज्यूम बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, इट इज सीन इन अ पी ग्राउंडनट एंड बीन्स
ओके बीन्स इज नोन एज एक्स एल्बुमिनस सीड. ओके उसको क्या कहा जाता है बेटा, एक्स एल बू मी नस सीड्स. ओके याद रखना, व्हेन एंडोस्पर्म कम्प्लीटली, आप कह सकते हो मे बी कम्प्लीटली कंज्यूम बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो एग्जाम्पल लाइक एक्स एल्बुमिनस, एग्जाम्पल लाइक पी ग्राउंडनट्स एंड बीन्स. ओके एंड अनदर थिंग, अनदर टाइप इज व्हेन इट मे बी परसिस्ट इन अ सीड. ओके व्हेन इट नॉट कम्प्लीटली कंज्यूम बाय द एम्ब्रियो. ओके ऑन दैट टाइम वी यूज द वर्ड एल्ब्यूमिनस. ओके क्या यूज करते हैं हम, एल्ब्यूमिनस सीड, अ सीड विच डू नॉट कंज्यूम टोटल एंडो या होल एंडोस्पर्म. ओके एग्जाम्पल लाइक कैस्टर, कोकोनट, यहाँ भी दे रखा है आपकी एनसीईआरटी में, एग्जाम्पल लाइक कैस्टर है, कोकोनट है, कर्नेल ऑफ कोकोनट याद रखना. ओके मे बी यूज एंड यूज जर्मिनेशन और यहाँ पे एनसीईआरटी आपको एक क्वेश्चन भी दे रही है, फाइंड आउट द वेदर द एंडोस्पर्म पर्सिस इन द सीरियल्स वीट एंड राइस और मिल्क. दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज योर होमवर्क. ओके आप लोग मुझे बताइए क्या वो एल्बुमिनस सीड और एक्स एल्बुमिनस सीड में आते हैं, क्या वो परसिस करते हैं या नहीं करते हैं, ये सब आपका आपका होमवर्क है कि आप लोग मुझे बताएंगे. ओके बिफोर एक्सप्लेनिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो वन नोट रिलेटेड टू दिस थिंग इज कर्नेल ऑफ कोकोनट. ओके एग्जाम में काफ़ी टाइम पूछा गया है, कर्नेल ऑफ कोकोनट इज द रिजल्ट ऑफ विच टाइप विच स्टेज एंड वाटर ऑफ कोकोनट रिजल्ट ऑफ द विच स्टेज. तो जो कोकोनट वाटर होता है विच इज रिलेटेड टू द प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. ओके प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्योंकि वहाँ पर रिपीटेडली डिवीजन होता रहता है, तो वो रिपीटेडली रिजर्व फूड मटेरियल या रिजर्व फूड से कॉटिलिडनस से अपना फूड ऑप्टेन करते रहते हैं. ओके एंड एंड देयर वाइट पार्ट देयर कर्नेल इज द पार्ट ऑफ सेलुलर एंडोस्पर्म. याद रखना भी ये सारी चीजें. सो अ नेक्स्ट स्टेप ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. ओके डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो गाइस, व्हेन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज नोन एन एम्ब्रियोगेनी, क्या कहा जाता है इसको, एम्ब्रियोगेनी. ओके डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज नोन एन एम्ब्रियोगेनी एंड फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज नोन एन एम्ब्रियोजेनेसिस. आया भी समझ में सबको, कंफ्यूज मत होना. सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनिंग ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. ओके क्या होता है, इन अ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो देयर इज अ सम टोटल ऑफ द चेंजेस दैट अकर. ओके अकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस फ्रॉम द जायगोट एट द माइक्रोपाइलर एंड बिकॉज वी नो दैट कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन वही होगा क्योंकि फर्स्ट सिंगामी तो यही है ना, कि जब फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज हो रहा है हमारे किससे, फर्स्ट एग न्यूक्लियाई से, दैट विल कम दैट कन्वर्ट अ एम जायगोट एंड दीज जायगोट फॉर्म अ एम्ब्रियो. ओके तो हमने बोला ना कि जायगोट एम्ब्रियो फॉर्मेशन फ्रॉम द जायगोट एट द एंड ऑफ द माइक्रोपाइलर टिप. ठीक है ये भी हम लोगों ने अभी देखा, दे आर द ग्लोबुलर हार्ट शेप्ड एंड मेच्योर एम्ब्रियो अकर, वो स्टेजेस हैं जैसे फर्स्ट एम्ब्रियो ग्लोबुलर बहुत ही स्मॉल स्टेज में होता है जिससे जायगोट, उसके बाद जब वो रिपीटेड न्यूक्लियस डिवीजन रिपीटेड सेल डिवीजन शुरू करने लगता था दे कन्वर्टेड इनटू द ग्लोबुलर फॉर्म, आफ्टर दैट दे कन्वर्ट इनटू द हार्ट शेप फॉर्म एंड आफ्टर दैट दे फॉर्म अ मेच्योर एम्ब्रियो. तो आप कह सकते हो कि व्हेन जायगोट कन्वर्टेड इनटू द एम्ब्रियो, लेट मी इरेज दिस थिंग, कि व्हेन जायगोट
converted into embryo. So they show the some stages in which stages embryo is known as pro embryo. Okay, उस immature embryo को आप क्या बोलते हो? Pro embryo बोलते हो. उसके बाद these immature embryo converted into a globular shape. After that, heart-shaped embryo, or after that, a mature embryo. Okay, so let's start the development of embryo in a dicot plants. Diagram से explain करते हैं इस चीज को. Here are typical dicot embryo. These are the typical dicot embryo. In a dicot embryo, firstly, in a dicotyledonous part, the embryo is produced from the which stage? So guys, remember this. This embryo produced from the stage of meroblastic. यहाँ लिख देती हूँ मैं. Meroblastic stage. Okay, याद रखना है, embryo develop from the zygote in the stage of meroblastic stage. This stage is a four-celled stage. इस stage को क्या कहा जाता है? Four-celled stage. Okay, that mean हमने वो एक diagram देखा था here. ये जो डायग्राम था ये पूरा यहाँ पे, ये जो इन बिटवीन ऑफ दीज, इन दोनों के बीच में जो स्टेज होती है वो फोर सेल स्टेज है, मैरोब्लास्ट स्टेज. ओके, जो इन मैरोब्लास्ट स्टेज द फोर सेल स्टेज इज नोन एज प्रो एम्ब्रियो. ओके, जब जायगोट से फर्स्ट हमारा प्रो इमिच्योर एम्ब्रियो कन्वर्ट होता है. ओके, यहाँ पे क्या है, जब जायगोट से हमारा फर्स्ट इमिच्योर एम्ब्रियो फॉर्म होता है तो इस एम्ब्रियो को हम क्या बोलते हैं? प्रो एम्ब्रियो. इट इज अ फोर सेल्ड स्टेज. ओके, मैरोब्लास्ट जो होता है एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट हो रही होती है वो स्टेज. ओके, वो सेल है. आफ्टर दैट दे कन्वर्टेड इंटू अ ग्लोबुलर स्टेज and then undifferentiated and finally cotyledonous stages come. Or these stages is a four stage, a heart shaped stage. Okay, and when heart shaped stage is occur, so they converted into the these kind of structure, which is the mature dicotyledonous structure, which has some or components, which has some parts. It first is Primule. Okay, primule is a future shoot. जो इस plants का जो stem portion होता है, जो shoot portion होता है, वो कहाँ से start होता है form होना? Primule से. Okay, dicotyledonous has two cotyledonous container of food. जहाँ पे हमारा seed का पूरा food contain या आप कह सकते हो reserved होके रखता है. Okay, and also have hypocotyl, a portion which directly attached to the cotyledonous, and radical which form the root या rooting portion, and radical covered with the root cap. These are the root cap which has a fibrous root system जो कि soil particle से water को absorb करने, nutrient को absorb करने में root की help करते. Okay, so these are the some organ of the dicot embryo. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव मोनोकोटिलीडनस एम्ब्रियो. ओके, इट इज अ, ये एक एम्ब्रियो भी आपका शायद ग्रास का, यस ग्रास का दे रखा है आपके पास. ठीक है, इन अ मोनोकोटिलीडनस एम्ब्रियो सेम स्टेजेस ही होती हैं, बट आफ्टर मेच्योर एम्ब्रियो यहाँ पे कुछ चेंजेस हो जाते हैं. फर्स्टली यू कैन सी दैट इन अ मोनोकॉट द एम्ब्रियो पजेस अ सिंगल लेटरल कॉटिलीडनस. ओके,
सबसे पहले तो इन मोनो मोनोकॉट कॉटिलीडनस कितने नंबर में प्रेजेंट होता है? ओनली अ सिंगल कॉटिलीडन। ओके, मतलब कि वहाँ पे दो कॉटिलीडनस प्रेजेंट नहीं होते। ओके, दे हैव क्यूटेलम एंड द एम्ब्रियोनल एक्सिस, एक्सिस वेयर द एम्ब्रियो स्टार्ट टू डेवलप इटसेल्फ। ओके, एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड रेडिकल, ऑब्वियस रेडिकल एंड रूट कैप, इसका पता ही है तुम लोगों को क्या होता है इसका, रेडिकल एंड रूट कैप फ्यूचर रूट्स एंड रूट कैप टू हेल्प रूट्स टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल पार्टिकल एंड दीज रूट कैप। थोड़ा सा डिफरेंस है हमारे मोनोकॉट में कि ये जो रूट कैप्स होते हैं एक शीट से कवर रहते हैं इन अ मोनोकॉटिलीडनस प्लांट्स। ओके, और ये जो शीट होती है ना, इस शीट को कहा जाता है कॉलियोराइजा, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी कभी तो एग्जाम में स्पेशली इसी के बारे में पूछ लेते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ या व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉलियोराइजा। ओके, तो इट इज अ आउटर प्रोटेक्टिव शीट इन अ इनर द रूट कैप, आप कह सकते हो रूट कैप के इनसाइड पोर्शन को ही कॉलियोराइजा कहा जा रहा है ऑफ रेडिकल। ओके, इट इज अ आउटर प्रोटेक्टिव शीट विच प्रोटेक्ट रूट्स या रेडिकल फ्रॉम द मैकेनिकल या फिर एक्सटर्नल इंजरी। ओके, याद रखना, आया समझ में? नेक्स्ट इज द शूट अपेक्स, जिसको आप यहाँ पे आप प्रिम्यूल भी कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, शूट अपेक्स वेयर द फ्यूचर शूट और फ्यूचर स्टेम अराइज। हेयर सम आर द लीफ प्राइमोडिया एनक्लोज इन द होलो फोलियर शीट विच इज नोन एज कॉलियोप्टाइल। ओके, दीज लीफ प्राइमोडिया, ओके, ये जो लीफ प्राइमोडिया है विच इज अटैच इनटू अ प्रिम्यूल या शूट अपेक्स इज नोन एज अ कॉलियोप्टाइल। द मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द अराउंड द प्रिम्यूल, प्रोटेक्शन इज टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अराउंड द प्रिम्यूल। इट हैज अ टर्मिनल पोर फॉर द इमर्जेंस ऑफ फर्स्ट लीव ड्यूरिंग द जर्मिनेशन। ओके, आया समझ में? ये वो पोर्शन भी होता है जहाँ से वो फर्स्ट लीव जर्मिनेट होना भी स्टार्ट होती है, ड्यूरिंग जर्मिनेशन जो फर्स्ट लीव का फॉर्मेशन या इमर्जेंस अराइजेंस होता है। ओके, एपीब्लास्ट, सम पोर्शन विच इज इमर्जेड या विच इज सीन इन द मोनोकॉटिलीडनस प्लांट्स या मोनोकॉटिलीडनस एम्ब्रियो इज द एपीब्लास्ट, अ स्टेज विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, ओके, एनसीईआरटी ऑल्सो गिव अस सम क्वेश्चन। सो का फ्यू सीड इन अ वाटर एंड वीट लाइक वीट मेज पी चिक पी एंड ग्राउंड नट्स ओवरनाइट एंड देन स्प्रेड द सीड एंड ऑब्जर्व द वेरियस पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो एंड सीड। ऐसा करो घर में, उस सीड्स को ओवरनाइट सोक करो, उसके बाद उसको थोड़ा ब्रेक करके देखो विद द हेल्प ऑफ नेडल, उसको तोड़ो और देखो ये सारे पार्ट्स भी म्यूल रेडिकल्स ये सब तो नहीं दिख, मतलब एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल ये तो नहीं दिख पाएंगे, लेकिन आप मेजर तो कर सकते हो ना। ठीक है, दिस इज योर होम एक्टिविटी। ठीक है,